हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पास ये पेपर है और कोड इसका है जो 825FF, ठीक है। 2024 का पेपर है, वो भी किसका, सामाजिक विज्ञान का। वीडियो को लाइक कर दो, ऐसा वीडियो आप लोगों को कभी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। इस पेपर को आप लोग पूरा का पूरा अगर तैयार कर लेते हो तो 80 से लेकर 85 नंबर आज ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पेपर को पूरा का पूरा जितने प्रश्न हैं सबका मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, और उसको नोट कर लो और अच्छे से तैयार कर लेना। देखो इस बार पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, आप लोगों का 70 नंबर का आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा और 30 नंबर स्कूल से दिए जाते हैं, आपको तो मालूम है। और समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय रहेगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट समय रहेंगे आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। देखो नोट में लिखा है यहाँ पे कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जैसे 3 घंटा 15 मिनट का समय है ना, तो 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ो और 3 घंटे में इस पेपर को क्या करो, सॉल्व करो, ये कह रहा है। निर्देश कुछ दिया है यहाँ पे, निर्देश हम पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पहला निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना है। और दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए हुए हैं, एक खंड अ, एक खंड आपका ब, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जिनके उत्तर जो है आपको वो MR शीट उत्तर पत्र में देने हैं। मतलब खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 1 नंबर के रहेगा, तो मतलब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है। अब खंड अ के बाद अगर बात करें तो देखो खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल वो MR शीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। वो MR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे वो MR शीट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन वाला प्रश्न आता है A B C D। अगर आपका ऑप्शन ए है, अगर आपने सोचा कि ये है, ए को आपने रंग दिया, बाद में आपको मालूम चला कि ऑप्शन सी यार इसका सही होगा, तो ये नहीं कि इसको काट दिया जाए और इसको सही कर दिया जाए, ऐसा नहीं। एक बार आपने जो रंग दिया वो रंग दिया, ठीक है। चलो आगे बात करें, 5वां निर्देश दिया है कि प्रश्न के जो अंक हैं उसके सम्मुख अंकित हैं, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। चलो और निर्देश अगर हम पढ़ें तो देखो यहाँ पे खंड ब आ जाता है। खंड ब में, खंड अ में तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। और इस खंड में देखो वर्णात्मक पहला, वर्णात्मक दूसरा तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न भी रहेंगे इसमें। और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आप लोगों को, और प्रथम जो प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, जो आ रहा है सबसे पहले उसी को करो, ठीक है। फिर दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। मानचित्र का अलग मिलेगा आप लोगों को, और उस मानचित्र को भरने के बाद जो आप लोगों को उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसी में इसको डालकर और अच्छे से नथी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि गिरे नहीं। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। दृष्टिबाधित जो आँख से कमजोर है उनके लिए भी मानचित्र दिया गया है, प्रश्न नंबर 9A 9B वाला प्रश्न, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है पेपर, खंड अ। देखो खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, देखो यहाँ पर लिखा भी है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एंथ्रेसाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस से है, मतलब किस खनिज से, लव अयस्क, बॉक्साइट, की कोयला से, कि सोना से। मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन होगा कोयला से, ठीक है, कोयला से एंथ्रेसाइट का संबंध होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1950 में। पूछ रहा है बांग्लादेश ग्रामीण जो बैंक है उसका स्थापना कब हुआ था, मेरे प्यारे बच्चों बी 1970 में हुआ था, ठीक है। सारे प्रश्न याद होने चाहिए, ये सभी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, आपको बताना कि कौन सा खनिज धात्विक है, अभ्रक, लव अयस्क, और नीचे 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका कोयला की चूना पत्थर, ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। पूछा हमसे क्या कि कौन सा खनिज धात्विक है, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना, लौह अयस्क, ये जो खनिज है वो क्या है, धात्विक है। आगे प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? बताना है कि रबी की फसल कौन है, चावल आपका कि मोटे अनाज की चना की कपास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चना। चना जो है आप लोगों का किस में आता है, रबी की फसल में आता है, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें पाँचवा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार जिसे हम सोपानी खेती की जाती है, ठीक है, किस राज्य में पूछ रहा है कि सीढ़ीदारी खेती किस में की जाती है, सीढ़ीदार को हम सोपानी भी बोलते हैं, ठीक है, तो किस राज्य में बताओ, हरियाणा में किया जाता है कि पंजाब में कि उत्तर प्रदेश के मैदान में कि उत्तराखंड में, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना है, पंजाब में किया जाता है सोपानी खेती, ठीक है। चलो आगे बात करें प्रश्न नंबर 6, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तमिल चलता है कि सिन्हली कि ईसाई चलता है कि मुस्लिम चलता है, तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग पूछा है ना मेरे प्यारे बच्चों, सिन्हली पे क्लिक कर देना, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे सातवां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो संघ सूची में है, संघ सूची का विषय कौन सा है, इसमें प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि के व्यापार, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, प्रतिरक्षा जो है वह संघ सूची के विषय है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में कि भारत में, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। चलो अगला प्रश्न नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, कैसर विलियम प्रथम को कि फ्रेडरिक विलहम प्रथम को कि विलियम द्वितीय को कि ऑटोवान बिस्मार्क को, तो मेरे प्यारे बच्चों पूछा है यहाँ पे कि 1871 में जो जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किसे किया गया था, ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना है, फ्रेडरिक विलहम प्रथम को। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 देखो क्या है, निम्न में से कौन सा 1815 की जो वियना संधि से संबंधित है, बिस्मार्क कि नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक है कि जोसेफी मेत्सेनी, निम्न में से कौन 1815 की जो वियना संधि था उससे कौन संबंधित रखता है, मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 11 देखो, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व पूछ रहा है, ऑप्शन ए सभी जाति समूहों उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना कि संप्रदायों को क्या किया गया, समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। चलो अगला देखो प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से कि इटली से, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना किससे, फ्रांस से, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 13 देखो, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन की जैव संसाधन की संभावित संसाधन, मृदा मिट्टी पूछ रहा है कि किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, मेरे प्यारे बच्चों नवीकरणीय योग्य संसाधन है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, ठीक है, गहन खेती, अधिक सिंचाई के वनमूलन के अति पशुचारण, पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपका अधिक वर्षा, मतलब अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई। आगे बात करें प्रश्न नंबर 15, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, कह रहा है कि भारत का कौन सा वो राज्य है जहाँ पे शिशु जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है, केरल, बिहार की, पंजाब की, हरियाणा, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, कौन, केरल, ठीक। चलो अगला प्रश्न नंबर 17, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में, 1873 में, 1876 में, 1889 में, ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ ये पूछ रहा है, तो पूरा हुआ आपका कब, 1871 ईस्वी में पूरा हो गया। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919 कि 8 अप्रैल 1919 कि 13 अप्रैल 1919, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना, क्योंकि 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग घटना हुआ था। आगे बात करें प्रश्न नंबर 18, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ,
1919 1921 1918 1920 रोलेट एक्ट कब पारित हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 19 देखो, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट कि प्रथम विश्व युद्ध था, कि खिलाफत आंदोलन की चौरी चौरा की घटना, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो वो था आपका खिलाफत आंदोलन। मेन जो कारण था वो खिलाफत आंदोलन ही था, उसी के कारण असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। 20वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी की अविनंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सिंपल सबको मालूम है कि वंदे मातरम गीत के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो देखो यहाँ पे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गया, मतलब खंड अ खत्म हो गया। यहाँ से खंड ब स्टार्ट होगा और खंड ब में आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और वो भी दो कैटेगरी का, देखो पहला वर्णात्मक प्रश्न यहाँ है, ठीक है। अब बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है आप लोगों को, हर एक प्रश्न का उत्तर। जितने प्रश्न मेरे प्यार बच्चों सबको तैयार कर लो। पहला प्रश्न देखो क्या पूछा है, कि भारत में जो राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे का क्या मूल सोच थी, ठीक है। चार नंबर के लिए प्रश्न है, अगर ये प्रश्न नहीं आता है फिर भी आपको ऑप्शन दिया कि अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि अगर पहला प्रश्न नहीं कर पाओगे तो ये वाला कर लो आप, कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के किन्नी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, दोनों में से कोई ये करना है, चार नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो और इसको सोल्यूशन लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना इसका, अगर पूरा सोल्यूशन चाहते हो तो, ठीक है, मैं पूरा सोल्यूशन दे दूंगा लिख कर। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्नी दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है, चार नंबर का ये भी प्रश्न है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया, इसको आप कर सकते हो, कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्नी दो उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख करने के लिए बोला है, ये भी आपके चार नंबर के हैं। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, जो आपकी इच्छा जो आपको आता हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी जो विधि है बेहतर है, ये भी चार नंबर के लिए प्रश्न है। अगर नहीं ये नहीं आता है तो अथवा करके दिया एक ऑप्शन, कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और विदेशी व्यापार को जो अनुकूलन बनाने के लिए कोई दो आपको सुझाव देना है, ये भी आपका चार नंबर का है। तो दोनों में से कोई मर्जी जो आपको आ रहा हो कर लेना, देखो ढूंढ कर लिख लेना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न कर लोगे ना 80 से 85 नंबर क्लियर हो जाएगा। और नहीं मिलता है तो कमेंट करना, मैं पूरा टाइप करके आप लोगों को PDF दे दूंगा। प्रश्न नंबर चौथा देखो, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली जो महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए, मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद जो महामंदी आई थी उसका कारण पूछ रहा है, चार नंबर के लिए प्रश्न है। नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया उसको कर लेना, वो भी चार नंबर के लिए ही है। 1928 से लेकर 1934 के मध्य होने वाली जो महामंदी का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के लिए बोला है, चार नंबर के लिए, ठीक है। तो वर्णात्मक प्रश्न पहला खत्म, अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया वर्णात्मक प्रश्न सेकेंड। और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है, क्योंकि ये 6 नंबर के हैं, वो 80 शब्दों में देना था, ये 150 शब्दों में, क्योंकि ये 6-6 नंबर के लिए प्रश्न है। पांचवा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए, ये 6 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है, क्या है वो, कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्नी दो कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी आपका 6 नंबर। तो आपकी चॉइस पांचवा प्रश्न में से या तो ये करो या तो आप ये करो, ठीक है, दोनों में इसको ये करना है, 6 नंबर मिल जाएगा आपको। छठवां प्रश्न देखो क्या है, कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं और इसको समाप्त करने के दो उपाय बताइए, 6 नंबर के लिए प्रश्न। नहीं आता है तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है, कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, अभी 6 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, कमेंट करना अगर इसका सलूशन चाहिए तो। सातवां प्रश्न देखो, कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, और ये भी प्रश्न 6 नंबर का है। नहीं आता है तो अथवा करके दिया है, और कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, और ये प्रश्न 6 नंबर का, तो दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को। इसके बाद आठवां प्रश्न स्टार्ट होता है, कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके
किन तीन उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख करना है। ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न है, नहीं आता है तथ्वा करके दिया है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय आपको बताइए। ठीक है, तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों 8वां में जो दिया है दोनों में इसको ये करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से मानचित्र कार्य स्टार्ट होता है। मानचित्र कार्य देखो, प्रश्न ए और बी मानचित्र से संबंधित हैं। क्या है देखो, दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस वाले सिंबल द्वारा नाम सहित आपको सही नाम दर्शाना है और सही अंक के लिए आधे आधे अंक दिए जाएंगे। मतलब सही नाम बताओगे तो आधा अंक और सही लोकेशन बताओगे तो आधा अंक, मतलब 1 नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो, पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, और दूसरा प्रश्न कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़े, तीसरा कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, और चौथा वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, और पाँचवा कि वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना की। तो 5 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, और इसको सही सिंबल से, मतलब उस वाले सिंबल से जो इस तरह बताया था, इस सिंबल से दर्शाना है और सही लोकेशन पे आपको दर्शाना है, तो आपको मिल जाएंगे। एक प्रश्न एक एक नंबर का है। फिर 9B दिया है। देखो, 9B में दिया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या देखो, पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर बताना है आप लोगों को मानचित्र पे। दूसरा है कि नर्मदा नदी पर एक बांध आपको बनाना है जिसे इस सिंबल से आपको दर्शाना है। तीसरा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी कोई भी आप बताइए जिसे आपको इस सिंबल से दर्शाना है। ठीक है, और चौथा प्रश्न, भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को बताना है, उसे किस चिन्ह से दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, इस तरह नोट कर लो, वाई, एक छोटा वाई, फिर एक बड़ा वाई, फिर एक छोटा वाई, इस सिंबल से आपको भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को दर्शाना है। और 5वां प्रश्न जो है, भारत का कोई भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको बताना है किस चिन्ह से, तो उसको इस चिन्ह से, 3 ठे आपको इस तरह लाइन रहेंगी, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो 5 नंबर यहाँ से, मतलब 10 नंबर मानचित्र से क्लियर हो जाएंगे। और ये देखो, यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में, जो आँख से कमजोर है उनके लिए यह प्रश्न है। ठीक है, तो उनके लिए प्रश्न है, आप यहाँ से इसको भी देख लो किस प्रकार उन लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई भी, अगर आँख की समस्या किसी व्यक्ति को रहेगा, किसी लड़के को, तो वो इन प्रश्नों को करेगा। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा, जलियांवाला बाग की घटना घटी, महात्मा गांधी किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ, चौरी चौरा की घटना किस जिला में घटी। मतलब कि देखो, जो दृष्टिबाधित होंगे, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो सिर्फ नाम बताएंगे कि कहाँ हुआ, और जो दृष्टिबाधित नहीं है उनको देखो बताया था ना कि लोकेशन आपको बताना है मानचित्र पर, इसमें सिर्फ नाम आपको लिखना है। तो जो दृष्टिबाधित होंगे वही इस प्रश्न को करेंगे, अन्यथा जो आँख से अच्छे होंगे वो इस वाले 9A 9B वाला ये वाला प्रश्न करेंगे। यहाँ देखो, बोला है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, उसमें लिखा भी रहेगा। और 9B में देखो किस प्रकार दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर का नाम लिखिए, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा, वही प्रश्न है बस नाम पूछा है। दक्षिण भारत में एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए, भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए, भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखिए, मतलब नाम लिखना है सिर्फ। ठीक है, और यह पेपर आप लोगों का बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। यह पेपर आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का कोड 825FF 2024 का पेपर, सामाजिक विज्ञान का। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त, जितने भी क्लास 10th में स्टूडेंट हैं, सबके पास ये पेपर पहुंच पाए और सभी सामाजिक विज्ञान में 80 से 85 नंबर लेकर आएँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे ढंग से कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।